को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। पिछले दिनों माँ देवड़ी मंदिर तामाण में ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी और प्रशासन द्वारा कार्रवाई को लेकर विवाद बढ़ गया है और ये विवाद आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है। तमाण का ये विवाद अब पूरे राज्य के आदिवासी संगठनों के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। बुधवार को एक बड़ी और अहम बैठक भी इसी मुद्दे पर रखी गई। आइए आपको सबसे पहले देवड़ी मंदिर परिसर के हालात को दिखाते हैं। देवड़ी मंदिर परिसर में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, मंदिर में पूजा अर्चना करने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर चौकसी बरती जा रही है। बुंडू एसडीएम मंदिर परिसर पर खुद डटे हुए हैं और हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कहते हैं एसडीएम, आइए सुनते हैं। प्रशासन के नजर से आपका ये शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना हो रही है, श्रद्धालु लोग पूजा कर रहे हैं। इसमें से आपका कुछ न्यूसेंस असामाजिक तत्व लोग हैं या आपका यहाँ लोकल लोग को बरगला रहे हैं, जिसके चलते आपका यहाँ कुछ अशांति बनी हुई है। इस पर हम लोग पूरा नज़र रखे हुए हैं। पुलिस का भी डिप्लॉय हो चुकी है और यहाँ कोई आपका कोई समस्या नहीं है। हाँ, वन 163 धारा BNSS के तहत हमने एक निषेधाज्ञा लागू की गई है। आपका खुला है, उसमें छूट है, इसमें उसको बंदिश नहीं है। निषेधाज्ञा उन लोग के लिए यहाँ लागू नहीं होता है। पूरी नज़र पर निगाह रखी हुई है और यहाँ माहौल शांतिपूर्ण है और पूजा भी शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है। तो हम एक है, एक है, एक है। आदिवासियों को संविधान अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। आदिवासियों के संविधान अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आपके चैनल के माध्यम से कि मत छेड़ो आदिवासियों को, मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। मामला ये है कि वहाँ बिना ग्राम सभा के, बिना ग्रामीण के अनुमति से वहाँ ट्रंक्स लगाया जा रहा है, और वैसे बिना ग्राम सभा के अनुमति से तो कोई भी गांव के अंदर कुछ भी तो काम नहीं ना हो सकता है। जैसे कि नाला बनता है या फिर कोई कुछ भी नाला या रोड बनता है तो ग्राम सभा के अनुमति से ही बनता है, लेकिन यहाँ तो CO और SDO तो बिना ग्राम सभा के बैठक किए ही ट्रंक्स को लगाया जा रहा है और घर को भी दुकान को भी हटाने की धमकी दे रहा है और नोटिस भेज रहा है बिना मतलब का, और इस तरह ही दबाया जा रहा है। जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबा के बोलता है कि ये नोटिस कर देंगे तुम लोग को, ये केस कर देंगे बोल के धमकी देता है, और बोलता है कि ये जमीन सरकारी जमीन है बोलता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि ये हम लोग का खुटकाटी जमीन है बोलते हैं, तो बोलता है कि कैसे खुटकाटी है, तो हम लोग बोलते हैं उसको CEO को कि अगर सरकारी ज़मीन है तो पेपर्स दिखाइए, तो उस टाइम जैसे ही बोलते हैं सरकारी ज़मीन है तो पेपर्स दिखाए बोलते हैं, तो वो दुम दबा के भाग जाता है CEO, और बोलता है कि ये सरकारी ज़मीन है बोल के बोलता है। हम लोग बोलते हैं कि सरकारी ज़मीन है तो पेपर्स दिखाइए, तब ना मानेंगे हम लोग कि सरकारी ज़मीन है। हम लोग के पास तो खत्ता सब कुछ है खुटकाटी ज़मीन के लिए, लेकिन वो मानता ही नहीं है और आता है सुबह शाम प्रशासन को भेज के लेडीज लोग को परेशान करता है। पिछले दिनों देवड़ी मंदिर तामाण में ग्रामीणों द्वारा तालाबंदी को लेकर उठा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को फुटबॉल मैदान देवड़ी तामाण में विभिन्न धार्मिक सामाजिक आदिवासी संगठनों की बैठक हुई। राज्य के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों ने देवड़ी मंदिर और उक्त भूखंड को लेकर उठे विवाद पर गंभीर चिंतन मंथन किया। आदिवासी समाज अपनी पुरानी सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा और अपनी अस्तित्व की लड़ाई को लेकर एक स्वर में न्याय के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने को लेकर कई रणनीति बनाई। आदिवासी समाज देवड़ी मंदिर
प्रकरण को लेकर गोलबंद हैं। बैठक में सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा, पूर्व मंत्री देव कुमार धान, प्रेम साही मुंडा, बलकू उरांव, लक्ष्मी नारायण मुंडा, दुर्गावती ओड़िया, सुरेश सॉय, दिनकर कश्यप, सिद्धाम सिंह मुंडा सहित अन्य ने अपने विचार रखे। बैठक में भारी संख्या में महिला, पुरुष और युवाओं की भीड़ मौजूद थी। बैठक में निर्णय हुआ कि 29 सितंबर को तामाड़ में आदिवासी जनाक्रोश महारैली निकाली जाएगी। ड्यूरी दिरी आदिवासी जमीन बचाओ का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा, इसके लिए समिति का गठन भी किया गया। हमारे सुरेश भाई ने भी बताया, सुरेश सोय ने, उस बात को मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो एक्ट के बारे पर बताया जा रहा है वो हमें ग्राम सभा और पांचवीं अनुसूची की जरूरत नहीं है। हम मुंडारी खुटकटी और सीएनटी एक्ट की धाराओं के अनुसार ही हम लोग जीतेंगे। ग्राम सभा और पांचवीं अनुसूची तो बहुत बड़ी बात है, जब सीएनटी एक्ट की धाराओं में 241 पढ़ेंगे उसमें भी डीसी का परमिशन की आवश्यकता है, 242 पढ़ेंगे, ये सभी हमारे कानून सम्मत है। और हम समाज के बीच ये कहने आए हैं कि आज हम गदगद हैं कि हमारे एक लड़ाई में हम लोग का जुबानों से, हम लोग का विभिन्न प्रकारों से, कार्यों से मतभेद हो सकता है, लेकिन आज हम लोग एक साथ हैं और ऐसा ही एक साथ के साथ हमको आंदोलन की शुरुआत करना चाहिए, ये हम कहने के लिए आए। दीड़ी दीड़ी का लड़ाई तो हम लोग का हुआ था कि ताला बंद और ताला तोड़ने से, ताला तो बंद हम ही लोग पूरा ग्रामीण मिल के किए थे। ताला बंद इसीलिए किए थे कि उस दिन हम लोग का ग्राम सभा था कि ग्राम सभा का आखिरी निर्णय लिया जाएगा कि जो मंदिर में फंड आया है उसको क्या किया जाए, उसमें काम हो कि नहीं हो बोल के ही वही ग्राम सभा करने के लिए ही निर्णय लिया गया था। उसमें से BDO, CO, SDO, विधायक, सांसद सबको चिट्ठा दिया गया था। तो पंडित लोग मीटिंग नहीं आता है, नहीं शामिल होता है पंडित लोग, बोल के हम लोग एक दो घंटा के लिए तालाबंद किए थे। तो उसमें से वो लोग नहीं आता है तो अच्छी तरह से ये हो जाए, बात को सेटल हो जाए बोल के, इसको काम करे या ना करे बोल के ही उस दिन बंद किए थे। बाद में बाहर का आदमी आया, पूजा करने वाला भी एक दफ़ा आया तो बोल पूछ रहा है लोग तालाबंद काहे के लिए किए हैं, तो हम लोग बोले कि आज ग्राम सभा गाँव में रखा गया है इसके लिए ही थोड़ा देर के लिए बंद किए हैं, सब कोई आ जाएगा ग्राम सभा में तो उसके बाद निर्णय लिया जाएगा तो खोला जाएगा। तब यही मीटिंग हुआ, उसके बाद बाहर से आदमी आया और बोल रहा है कि ताला बंद किया है बोल के ताला को तोड़ने लगा। CO, BDO, SDO सभी आया था, लेकिन वो लोग थाना प्रभारी भी आया था, लेकिन वो लोग बोल रहा है कि खोल दीजिए खोल दीजिए। तो हम लोग बोले सर रुकिए, अभी ग्राम सभा में मीटिंग रखे हैं तो थोड़ा देर में खोल देंगे। तो वो लोग नहीं तोड़ा, जो बाहर से जो आया था वही लोग तोड़ दिया। बार उसी में से हम लोग का लड़ाई शुरू, रांची से बाहर नहीं, ये तमाड़ बुंडू यही का बीच का ही आता है। बाद में बात हो गया जैसे भी हो, फिर भी ताला तोड़ दिया तो पंडित लोग तो फिर उधर मंदिर तरफ चल गया, उन लोग पान पंडित लोग मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। बीच में हम लोग में जो ग्राम का आदमी थे बस वही एक दो को बाहर से दादा लोग आया था, उसी से मीटिंग हो गया। उसके बाद हम लोग ऐसा जब बिछाए थे उन लोग का भी उन लोग उठा के ले जा रहा था गाड़ी में, बाद में कुछ लेडीज लोग उसको खींच खींच के ही किया, फिर बैठे बोल रहे यहाँ पर मीटिंग वीटिंग कुछ नहीं होगा, जाओ चौथा बात है जो व्यक्ति जेल गया है उसके परिवार के लिए ग्राम प्रधान है और दो लोग जो गए हैं, और जैसा कि कुदरसी जी से भी बात हो रही थी हम लोग को बेल में जाना है भाई, बेल के लिए तो आपका केजरीवाल भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी, सभी लोग गलत हो या सही हो बेल पर जाते हैं। तो जितने भी संगठन आए हैं हम अपने संगठन के तरफ से मैं ये केस लड़ने के लिए 10,000 रुपया हमारे तरफ से, हमारे संगठन के तरफ से पाढ़ा समन्वय समिति राजीव पाढ़ा की तरफ से 10,000 रुपया हम लोग कर रहे हैं।
सम्मान जिंदाबाद 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 गुलाम जारी रहेगा जारी रहेगा जारी रहेगा। पहले तो मैं सभी को जोहार करना चाहता हूं और खास करके आपको कि आप लोगों के माध्यम से इस आदिवासी दुखी आदिवासी और ये देवड़ी बस्ती के जो दुखी आदिवासी हुए हैं अभी अपने आस्था को लेके वो आवाज़ देश दुनिया तक पहुंच रही है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी को हर बार छेड़ा जा रहा है, चाहे वो सुतियम्बेगढ़ हो, चाहे परसनाथ हो, चाहे पहाड़ी हो, चाहे देवड़ी हो, सब जगह छेड़ा जा रहा है और ये बर्दाश्त करने वाला आदिवासी नहीं है। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मत छेड़ो आदिवासियों को, मत छेड़ो आदिवासियों को, लड़ना मुश्किल होगा, लिखेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। सोया हुआ आदिवासी को, भला भला आदिवासी को मत छेड़िए, मत उसकाइए, न तो आदिवासी का इतिहास कहता है आदिवासी लड़ना जानता है, मरना जानता है, लेकिन डरना नहीं जानता। आज हम चुप हैं मतलब ये मत सोचिए कि हम डरे हुए हैं। आज हमारे देवड़ी में हमारे आदिवासियों को जबरदस्ती बाहरी चीज़ों को थोपना एक गलत है। हमारे देवड़ी दीरी जिसको देवड़ी मंदिर कर दिए, आज हमारे वहाँ पहान द्वारा विधि व्यवस्था जो भी पहान का रीति रिवाज हमारे आदिवासी पुरखा जो पूजा पाठ होती थी आज उसको आधुनिकीकरण कर रहे हैं भाई, बाहरी चीज़ों को थोप रहे हैं, आज जबरदस्ती कब्जा करने का जैसे कर रहे हो, आके मंदिर में धमकी भी दे रहे हो, ताला तोड़ रहे हैं, तो गलत है। हम कहते हैं कि आदिवासी को मत घुसकाइए। आज ये हमारे आदिवासी का हृदय है, ये हमारा, हम जिसे भी पूजा करते हैं हम नेचर को मानने वाले लोग हैं, हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, हमें मत उसकाइए। आज हमारे इस क्षेत्रीय विधायक विकास सिंह मुंडा आज इसका भी बयान सुने, भाई आप इसी क्षेत्र के जनता, यही देवड़ी के जनता, यही तमार के जनता आपको चुन के विधायक बना है, आज इसके पक्ष के बात छोड़ के आज दिकुओं का बात करने लगे हैं, कितना दिन चलिएगा? यही लोकसभा ज्यादा दिन नहीं हुआ, यही आदिवासी लोग ने आज इस सरकार का इज्जत को बचाया, 5-5 सीट को दिया आरक्षित सीट को, 14 सीट पे कई को मिला आपको? यही आदिवासी है जो आपका इज्जत बचाया। आज आदिवासियों के हित का बात नहीं करते हैं, आज आदिवासियों को गलती करार कर रहे हैं, आप अपने को नहीं देख रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, कब तक देखिएगा? इसलिए मैं ज़्यादा कहना कुछ नहीं चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज के युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि हक और अधिकार की लड़ाई में, हक और अधिकार की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता, हक और अधिकार की लड़ाई में न्योता नहीं भेजा जाता, जिसका जमीर जिंदा है वो खुद चले आते हैं। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि देवड़ी के लिए आगे आइए, हाथ से हाथ मिलाकर देवड़ी वासियों को साथ दीजिए। मेरा नाम दिनेश मुंडा है, मैं आदिवासी युवा शक्ति का मुख्य संयोजक हूँ और मैं पटवार बोकारो से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि जो देवड़ी प्रकरण चल रहा है वो क्या विवाद है, देखिए मोटा मोटी यहाँ पे दो विवाद हमको खुल के दिखाई दे रहा है। एक तो जो ट्रस्ट का मामला चल रहा है जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, न्याय संगत नहीं लगता है, क्योंकि जैसा मुझे पता चला है कि जितने भी मेंबर हैं ट्रस्ट के, वो जितने मेंबर उसमें से केवल 4 लोगों का सिग्नेचर है। और एक प्रोसीजर होता है जिस तरह से ये 5th शेड्यूल एरिया है, इसका प्रोसीजर है कि जब भी कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसमें ग्राम सभा का परमिशन बहुत ही जरूरी होता है। बिना ग्राम सभा के परमिशन के वो आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट भी नहीं बना सकते। उसके बाद क्या होता है, वो राज्यपाल तक जाता है, राज्यपाल भी अपना स्वीकृति देती है, तब जाके एक कंप्लीट प्रोसीजर के द्वारा वो ट्रस्ट बनता है। लेकिन जिस तरह से बातें खुल के आ रही है, जिस तरह के सुनने को मिलने आ रहा है या मीडिया बंधुओं से जानकारी मिल रही है कि वो ट्रस्ट ही ऐसे असंवैधानिक है, चूँकि ग्राम सभा का वहाँ कोई रोल नहीं है, बस कुछ आला अधिकारी लोग अपने हिसाब से प्रशासन में थे, अपने हिसाब से बना लिए हैं, तो वो ट्रस्ट का विरोध पूरा चल रहा है। और विरोध इसलिए भी चल रहा है कि चूंकि हालिया जो हेमंत सरकार है वो 8 करोड़ रुपया इसके सौंदर्यीकरण के लिए, देवड़ी का सौंदर्यीकरण के लिए वो सेंशन किया हुआ है, तो ये 8 करोड़ का रुपया का जो बंदर बाट होना है वो किसके अकाउंट में जाएगा, किसके जेब में जाएगा, सारा खेला यहाँ पे इस चीज़ का है। और दूसरा तरफ क्या है कि ये जो लोकल लोग हैं वो काफ़ी आहत हैं, चूँकि कहीं ना कहीं देवड़ी जो है वो देवड़ी मंदिर नहीं है और ये आदिवासियों का आस्था से जुड़ा हुआ है, उनका सरना स्थल है, और कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को मिटाया जा रहा है, उनकी जो अधिकार हैं उनको मिटाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पूजा पद्धति को लेके कि जिस तरह बातें सुनने का आएगी, वीकली एक रोज़ ओनली ट्यूजडे को ऐसा था कि तमाड़ के राजा जब भी आते थे या फिर राजवंश के जो लोग आते थे वो पांडा को अपने साथ लेके आते थे, पंडित को अपने साथ लेके आते थे और सिर्फ उन्हीं का वो पूजा करता था। ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ कि जो 1981 आसपास में जो CO थे
संतोष बारी करके कुछ थे, उनका वो जजमेंट, हाँ सीताराम बारी, माफ़ कीजिएगा सीताराम बारी, जो उनका जजमेंट भी है कि सिर्फ मंगलवार को करना था वो, लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों के अंदर में जो गैर आदिवासी समाज के लोग जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने पे लगे हुए हैं, आदिवासी कल्चर या फिर पूजा पद्धति पे डोमिनेट करना चाह रहे हैं, वैसे लोगों के अंदर में मनसा कुछ बिगड़ गया, लालच आ गया, अब वो क्या करने लगे कि नहीं रोज़ हम ही लोग पूजा करेंगे, तो कहीं ना कहीं पहान को भी यहाँ से खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और जो ये सिस्टम है पूजा का उसको पूरी तरह से यहाँ मटियामेट करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे भी यहाँ के लोग ग्रामीण आहत है, जमीन का तो खैर मामला है, आपको जैसा पता होगा कि सीएस और आरएस का जो मामला चल रहा है, और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है जजमेंट के रूप में कि अगर आरएस में किसी तरह की त्रुटियाँ पाई जाती है, लोग अपोज करते हैं, चाहे वो जमीन का मालिक हो चाहे ग्राम सभा अपोज करती है, तो सीएस का जो रिकॉर्ड है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, उसको प्राथमिकता दिया जाता है और आरएस में सुधार किया जाता है। आरएस का मतलब ही होता है कि उसमें विचार करके फिर से सेटलमेंट या फिर सर्वे किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो आरएस सेटलमेंट हुआ है वो हर कोई जानता है कि बहुत धांधली हुआ है, बेशक बेशक, और यही तो डिमांड कर रहे हैं यहाँ के लोकल कि मंदिर में हमारा जो हक अधिकार है, जो हमारा कस्टम सिस्टम है उसको लागू किया जाए, और जो बाहरी कस्टम सिस्टम को थोपने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और अभी जो प्रमुख मांगे आए गए जिनको नामजद किया गया 19 लोगों को और 100 लोगों का अज्ञात जो रूप में इनको एफआईआर किया गया है, हम लोगों का डिमांड है कि इस तरह के मामलों में इस तरह के गिरफ्तारी करके लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस तरह के केसों को संज्ञान में लेते हुए इसको रद्द किया जाए, खारिज किया जाए। और मैं एक चीज़ यहाँ बोलना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बारम्बार आदिवासी समाज को ही असामाजिक तत्व करार दिया जाता है और एंटी सोशल पीपल का कहा जाता है, जबकि आप पूरे प्रकरण को देखिएगा, मीडिया बंदों से कुछ छुपा हुआ नहीं है कि यहाँ पे जो माहौल खराब करने का वो बाहर के लोगों की है। मेरा नाम है किरण मुंडा, मैं देवड़ी की ही रहने वाली हूँ। तालाबंदी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि हम लोग उस दिन ग्राम सभा का बैठक किए थे, ग्राम सभा में जैसे कि हम लोग उसी जगह जहाँ मंदिर के प्रांगण में रखे थे, मंदिर के प्रांगण में जैसे हम लोग का बैठक में कोई चीज़ का जैसे कि डिस्टर्ब ना हो बोल के हम लोग दिन भर के लिए नहीं बंद किए थे, हम लोग को किया गया था बस एक दो घंटा के लिए हम लोग बंद किए थे, बंद रखे थे, लेकिन उसी में हम लोग को जैसे कि हम लोग बुलावो किए थे, इको एसडीओ को भी लेटर दिए थे, फिर थाना प्रशासन को भी हम लोग लेटर दिए थे कि सूचित किए थे कि हम लोग बैठक कर रहे हैं बोल के। उसके बाद जो जैसे कि हम लोग का जैसे कि मंदिर में अगर कोई हो भीड़ भड़का होगा उसमें तो हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर गांव का ही आदमी नहीं बैठेगा तो इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग वहाँ पे हम लोग ये किए थे कि दो चार घंटे एक दो घंटा के लिए हम लोग बंद रखे थे। उसी से उसमें कौन ऐसा ये कर दिया कि उन लोग आरएसएस वाला आदमी को बुलाया और उन लोग ने हम लोग के ऊपर विरोध करने लगा, विरोध किया और बोल रहा है कि कौन ताला लगाया है, क्या किया है, लेकिन हम लोग उसके विषय में हम लोग कुछ नहीं किए, लेकिन हम लोगों ने बोला कि बस हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं, ग्राम सभा का ई ना हो बोल के हम लोग उसी का ई में हम लोग बंद किए थे। ठीक है, बात तो ये हो गया कि बैठक किए बंद किए, तो बैठक किस मुद्दे पर? हम लोग ग्राम सभा किए थे, ग्राम हम लोग जो जैसे कि हम लोग गांव का ही पर्सनल तो कोई सामुदायिक भवन नहीं था, कहीं और नहीं था कि मंदिर में बैठक कभी आप सुने हैं? मंदिर में तो नहीं देखे कि हम लोग आंगन है तो इसीलिए हम लोग आंगन तो जगह उसी जगह किए, कहे कि अभी मंदिर का मैटर था इसलिए हम लोग उसी जगह हम लोग बैठे, हाँ उसी का ही बात था इसलिए हम लोग उसका जैसे कि हम लोग पीछे तरफ जो दुकान है, दुकान सबको भी हम लोग का बिना नोटिस के हम लोग का दुकान भी तोड़ा गया, बिना नोटिस के घर भी तोड़ दिए। उसके बाद हम लोग बोले कि आप हम लोग को बोला जा रहा था कि दुकान सबको हटाइए, दुकान हटाइए बोला तो कैसे हटाएंगे बोल के बोल रहे हैं ये सब प्रशासन लोग। अच्छा, तो मतलब हाँ, मंदिर के आसपास दुकान का लगा के आप लोग हटाया नहीं गया है, लेकिन हम लोग को दबाया जा रहा है कि बोल रहा है कि आप लोग हटाइए दुकान को, तो हम लोग बोले क्यों हटाएंगे, हम लोग पूर्वज से हम लोग आदि से हम लोग ये करते आ रहे हैं तो दुकान क्यों हटाएंगे, तो नहीं बोल रहे कि हटाना पड़ेगा, तो हम लोग बोले कि बिना नोटिस बिना बजा बिना जाने कैसे हटाएंगे। उसके बाद बिना नोटिस के ही हम लोग का घर भी तोड़ दिया गया, एगो उसी मंदिर के अंदर में एगो घर है वो चाची लोग का, उन लोग का घर को भी तोड़ दिया, तो हम लोग का जो दुकान है उसको भी पीछे तरफ बोला कि थोड़ा सा ही करो। उसके बाद हम तो उस दिन नहीं थे, खेत उत में काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग का दुकान भी थोड़ा पीछे बिना नोटिस के ही हम लोग का दुकान भी हट किया गया। विभिन्न जिलों से लोग आए हैं, हाँ संगठन के लोग आए हैं, तो आप लोगों का मांग क्या, क्या चाहते क्या है?
हम लोग जैसे कि अभी 8 करोड़ का जो फंड आया है, जो उन लोग जैसे कि हम लोग जबरदस्ती हम लोग का ये काम करने खोज रहे हैं, तो उसमें जैसे कि हम लोग ग्रामीण भी सबको ही हम लोग का ग्राम सभा से पारित हो तो हम वो करने देंगे, लेकिन सबको वहाँ तो सब बाहर का आदमी है, कहे कि हम लोग ग्राम सभा से अगर पारित करके हम लोग को देगा ना तो हमको जो बोलेगा वो देख रेख करे, हम लोग के ही में हम लोग करने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन। धन्यवाद।